छतरपुर के सरकारी स्कूल में दिन दहाड़े बदमाश घुस गए, हल्ला बोल दिया और बदमाशों ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट कर दी। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। बदमाशों की गुंडागर्दी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्कूलों में बच्चे अपना भविष्य गढ़ने जाते हैं और उनके शिक्षक उनको भविष्य गढ़ने में सहायता करते हैं, मगर छतरपुर में गुंडे उनके भविष्य को डंडों से तोड़फोड़ रहे हैं। जी हाँ, छतरपुर के गंज क्षेत्र में स्कूल में गुंडागर्दी शुरू हो गई। स्कूल लगने से पहले ही इन गुंडों ने स्कूलों में धावा बोल दिया और स्कूल में बदमाश हाथों में डंडा और कट्टा लेकर घुस गए। स्कूल के कंप्यूटर टीचर अनिरुद्ध शुक्ला के साथ जमकर मारपीट की, तोड़फोड़ की। इन गुंडों ने स्कूली छात्रों के साथ भी मारपीट की। बदमाशों की गुंडागर्दी की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित टीचर ने बताया कि बदमाश हाथ में कट्टा लिए हुए थे और बुरी तरह से उन्हें पीट रहे थे। पुलिस ने स्कूल के प्रचारी की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों सहित अन्य पर मामला दर्ज कर लिया है। आपका क्या नाम भैया? सब अनिरुद्ध शुक्ला। क्या करते हो आप? हम दावा कंपनी के द्वारा कंप्यूटर टीचर है गंज मिडिल स्कूल में। आज हमारे साथ देवगांव के कुछ गुंडे आए थे, मुंह में ढट्टी बांध के डंडा कट्टा तलवार सब लेके हमें उन्होंने मारा है। हमारा ये हाथ टूट गया है, सिर पे भी चोट आई है और बच्चियों को गेट बंद करके पूरी बच्चे क्लास लगी है, ऑनलाइन क्लास चल रही, कैमरा में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सहित पूरी उन्होंने हमें मारा है और स्कूल की बच्चियों के गले दबाए, किसी को मारा, किसी को लात मार दी, किसी को डंडा मार दिया। देवगांव के लड़के थे सर, करण शर्मा, छोटू शर्मा, संजू के सारे, संजू, दीपक कुशवाहा, चार सात लोग थे टोटल। दो अन्य भी हैं जो सिर कपड़ा बांधे थे मुंह में। आज जैसे हम क्लास में बैठे, पॉसिबल लोग आए और गला पकड़ के हम लोगों को क्लास में बैठ के लठ मारा सर को, और हमको भी क्लास में बंद कर दिया था। हमने वो सात लोग थे, नाम नहीं हमको पता, ढिट्टी बांधे तो हम देवगा नाम नहीं जानते। गंज में एक शासकीय अध्यापक थे, उनके द्वारा अपना पंजीकृत कराया गया। इसमें स्कूल के छात्रों के बारे में बताया गया। स्कूल में कुछ लड़के आए थे और उनके द्वारा मारपीट की गई है। इसमें 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। इसमें चार लोग नामजद आरोपी और अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपी अपराध पंजीकृत किया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।